अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सब कुछ सेहत से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, हर मुसीबत और आफत से निजात दे, हर घर में खैर बरकत अता फरमाए, हर बच्चे को नेक टॉपिक नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में चने की दाल की रेसिपी लेके आए हैं। ये चने की दाल है, मैं रात भर भिगा के रख ली थी इसको। चने की दाल को अच्छी फूल गई है, अच्छी देखिए अच्छी नरम पड़ गई है। चने की दाल देख सकते हैं आप, देखिए कितनी अच्छी हो गई, देखिए चने की दाल। अब इसको फ्राई करेंगे अपन। फ्राई जो खारे के साथ आती चने की दाल, वैसी चने की दाल बनाएंगे अपन। इसको फ्राई करके बताऊँगी मैं। देखिए आप कितनी अच्छी गल गई है दाल अपनी, नेक्स्ट बताऊंगी। चलिए देख सकते हैं, कढ़ाई रख ली मैं। इसमें अपनी पानी पूरा निकाल दी थी मैं, इसका ज़रा भी पानी नहीं है इसमें। अब इसको अपन पानी सूखे तक गला लेंगे इसको। चलिए देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से पानी सूख जाना इसका, ज़रा भी पानी ना रहना इसमें। उसके बाद तेल डालेंगे इसमें अपन। बहुत अच्छी बन के रेडी होती है, घर पर ही रेडी कर सकते हैं आप चने की दाल फ्राई। मज़ेदार लजीज बन के रेडी होती है अपने घर पर ही। अच्छी तरह से इसका पानी पूरा सुखा लेंगे अपन। चलिए देखिए अच्छी तरह से पानी अच्छा सूख रहा, देखिए कितना अच्छा पानी, ज़रा भी पानी नहीं है अब इसमें। अब इसमें अपन तेल डाल देंगे। तेल डालेंगे इसमें तकरीबन 3 से 4 टीस्पून तेल डालेंगे इसमें। अच्छा फ्राई करेंगे इसको। चलिए देख सकते हैं तेल अच्छा अपन डाल दिए। अच्छा इसको अच्छा फ्राई करना तेल में, अच्छे कड़क हो जाना ये, उतना फ्राई करेंगे अपन। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अपन, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर होना इसका, उतना फ्राई करेंगे तेल में। ज़्यादा मेहनत ही नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बन के रेडी होती है। कुछ स्नैक्स खाना दिल बोला या कुछ अपने को चटपटा कुछ खाना चुपा तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को मेरी। बहुत घर पे ही बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त दाल फ्राई करके खा सकते हैं आप। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। ऐसे ही इसको कुरुम कुरुम फ्राई करेंगे अपन, गोल्डन ब्राउन ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत घर पे ही कुछ चटपटा खाने का दिल करा, ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को आप। अभी थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसका, उसके बाद निकाल के बताऊँगी मैं फिर आपको इसमें क्या ऐड करके। माशाल्लाह देख सकते दाल अपनी हो चुकी है कम्प्लीट, अच्छी तरह से फ्राई हो गई, अच्छी कड़क हो गई दाल अपनी। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे अपन। इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डालिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा लगता मिर्ची, ज़रा चटपटे के लिए ज़रा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते आप। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को माशाल्लाह। चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब सर्व करके बताऊंगी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा बन के रेडी हुआ, देखिए कुरुम कुरुम अच्छी बनी अपनी दाल, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए। चलिए जब तक के अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। शब खैर, दुआ में याद रखिए।